नमस्कार विद्यार्थियों, TCM परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए TCM कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल के माध्यम से साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके लिए साइंस को सबसे सरल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। शायद आज आप पहली बार साइंस के वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों को बहुत छोटी और अर्थात नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शब्द होता है विज्ञान, बहुत काम की चीज है ये वर्ड विज्ञान, अर्थात इंग्लिश में साइंस। इस विज्ञान वर्ड का जो अर्थ होता है अर्थात शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। यहां पे यदि हम विज्ञान के पिता की बात करें तो विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। यदि अपन विज्ञान के वर्गीकरण की बात करें तो जनरली अपन यहां पे समझने की कोशिश करें, विज्ञान आपका दो प्रकार का हो, एक होता है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आप जीवित चीजों का अध्ययन करते हैं, दूसरा होता है निर्जीव विज्ञान, अर्थात जिसके अंतर्गत आप निर्जीव चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे जीव विज्ञान में अपन लेके चलेंगे बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के पिता है, फादर ऑफ बायोलॉजी से किसे कहा जाता है? अरस्तु के लिए कहा। उसी प्रकार निर्जीव विज्ञान में अपन लेके चले, इसकी भी दो शाखाएं हो जाएंगी, जिसमें आपका फिजिक्स अर्थात भौतिकी और केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं आपके लिए बता चुका हूं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, जिसके पिता कौन है? अरस्तु हैं। अब जो जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत भी अपन दो चीजों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट नंबर है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका पादप विज्ञान। यदि यहां पे देखा जाए जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। यहां पे यदि हम भौतिकी की बात करें अर्थात फिजिक्स, फिजिक्स के पिता के लिए इसके बारे में दो तीन वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका नाम कई बुकों में विभिन्न प्रकार से मिलता है। जैसे फादर ऑफ फिजिक्स के लिए कुछ लोग न्यूटन भी कह देते हैं, कुछ लोग अरस्तु भी कह देते हैं, कुछ लोग गैलीलियो भी कह देते हैं, और केमिस्ट्री के जो पिता हैं उनके लिए लैबोजियर, लैबोजियर। ये है आपका साइंस का जनरल वर्गीकरण, जिसमें अपन ने क्या देखा? विज्ञान के पिता, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया, जीव विज्ञान अर्थात यहाँ पे जीवित चीजों का अध्ययन किया जाएगा, दूसरा आपका निर्जीव अर्थात इसमें निर्जीव चीजों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। अब यदि आपके लिए जीके जैसे साइंस है इसको समझने की यदि कोशिश करनी है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अपन जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है उठाने की कोशिश करेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिकी, फिजिक्स अर्थात भौतिकी। बहुत ध्यान से समझना, इस साइंस के वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए ऊपर से नीचे तक की चीजों को लिंक करना समझाऊंगा। सबसे बड़ी चीज आती है स्टार्ट कहां से करें, शब्द के सेंस से चलते हैं अर्थात भौतिकी। यहां पे भौतिकी के अंतर्गत अपन भौतिक चीजों का अध्ययन करेंगे अर्थात भौतिकी, भौतिक। समझने की कोशिश करना भौतिकी क्या है, सबसे बड़ी चीज तो यही है। इसके अंतर्गत अपन ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे जिसमें मात्रक होते हैं अर्थात जिनका क्या होता है? मापन। अर्थात कहने का तो क्या है, भौतिकी के अंतर्गत अपन भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक राशियां। अब सबसे बड़ी चीज है भौतिक राशियां कहलाती क्या है, तो ऐसी राशियां जिनका अपन क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं, अर्थात जिनके लिए अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, अर्थात जिन राशियों के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अर्थात ये जो आपका साइंस का फर्स्ट टॉपिक होगा अर्थात फिजिक्स में, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। अर्थात इस चैप्टर को मैंने लिंक करना बताया कि कहां से लिंक करेंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं
अर्थात आपका टॉपिक जो निकल के आया मापन एवं मात्रक, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियां। कौन सा टॉपिक है? भौतिक राशियां। अभी मैंने आपके लिए बताया भौतिक राशियां वो राशियां कहलाती हैं जिनका अपन क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, जिसको अपन माप सकते हैं, अर्थात जिसके अपने क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आती है मात्रक। तो दोस्तों अभी तक जो हमने देखा है मात्रक है ये होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है आपका मूल मात्रक, दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। यदि अपन मूल मात्रक की बात करें तो जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां, जो मूल राशियों की संख्या है वो कौन सी कितनी है, सात है। ध्यान से समझना है, इन सातों राशियों को आपको अभी के अभी याद करना है, उसके मात्रक और उसके संकेत। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मात्रकों में भी आप राशियों को देख सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि किस राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे है या किस राशि के मात्रक को अर्थात उसके संकेत को किस रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मात्रक आपके वैज्ञानिकों की खोज पे होंगे उनके नेम को अर्थात संकेत को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एवं जिन भौतिक राशियों के मात्रक स्मॉल लेटर से लिखे हों अर्थात वो भौतिक राशियों के नाम मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखे गए। जैसे सात मूल राशियां होती हैं, सात मूल राशियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा ताप, चौथा समय। द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों ध्यान रखना ये है आपकी सात राशियां, मूल राशियां, इनका मात्रक क्या होता है, यहां पे अपन लेके चलते हैं मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसका संकेत यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे तो संकेत को लिखते हैं स्मॉल के और स्मॉल जी। ध्यान रखना दोस्तों यह जो संकेत लिखा है आपने स्मॉल लेटर के माध्यम से लिखा है। यहाँ पे अपन ने लिया है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी, एवं संकेत क्या लिखा है, स्मॉल केजी, क्योंकि किलोग्राम जो मात्रक है द्रव्यमान का वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, नॉर्मली है। इसके बाद लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका संकेत भी क्या होता है, स्मॉल एम। इसके बाद ताप, ताप का मात्रक है जो वो है केल्विन। दोस्तों इसका संकेत होता है कैपिटल के। ध्यान रखना दोस्तों इसके लिए कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे जो मात्रक आया है वो वैज्ञानिक के नाम पर आया है, जिस कारण से इसका संकेत क्या रखा है, कैपिटल के रखा है। ध्यान रखना दोस्तों के ताप का एकमात्र ऐसा मात्रक है ये जिसे डिग्री में नहीं लिखा जाता, जैसे ताप का मात्रक फ़ारेनहाइट हुआ, सेल्सियस हुआ, रियूमर हुआ, इन सभी के लिए डिग्री के माध्यम से दर्शाया जाता है, परंतु केल्विन के लिए डिग्री के माध्यम से नहीं लिखते। इसके बाद समय, समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकेंड, इसका मात्रक होता है स्मॉल एस। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर है यह एम्पियर नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिस कारण से इसका संकेत कैपिटल ए होता है। इसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। दोस्तों इसका संकेत है स्मॉल सी स्मॉल डी, क्योंकि जो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। इसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल, इसको भी अपन स्मॉल लेटर से लिखने की कोशिश करेंगे, एमओ है। दोस्तों आपके सामने सात मूल राशियां हैं, सातों के मात्रक हैं, सातों के संकेत हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी, लंबाई का मात्रक मीटर स्मॉल एम, ताप केल्विन के, समय सेकेंड एस, विद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी, पदार्थ की मात्रा मोल एमओ एल।
दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक चीज ध्यान और रखना, मूल राशियों के बाद अपन को पढ़ना तो है व्युत्पन्न मार्ग राशियां, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों उसके पहले अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरक मात्रक। पूरक मात्रक आपके दो है, एक आपका कोण, दूसरा आपका घन कोण। दोस्तों यहां पे यदि देखा जाए तो जो कोण का मात्रक है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन। रेडियन का यहां पे संकेत देखने की कोशिश करें तो होता है स्मॉल आर डी, स्टे रेडियन का होता है एस आर डी स्मॉल लेटर। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है कोण और घन कोण में अंतर क्या होता है। दोस्तों जो कोण होता है टू डायमेंशनल की बात चलती है, अर्थात द्विमितीय अक्ष की बात चलती है, थ्री डी में मतलब जो होता है घन कोण थ्री डी शेप में होता है। जैसे नॉर्मली आपका ये वृत्त है, वृत्त को यदि हम कट करें तो यहाँ पे क्या बनना है आपका कोण बनना है। वही मान के चलो ये कोई थ्री डी शेप है जैसे खरबूजा है, अर्थात इसको यदि आप काटने की कोशिश करोगे थ्री डी डायमेंशनल में तो इस तरीके से निकलेगा। अर्थात ये किस स्थिति के लिए दर्शाता है, घनकोण की स्थिति के लिए दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। जैसा कि वर्ड से सेंस है व्युत्पन्न मात्रक, अर्थात व्युत्पन्न ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से, ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। इसके एग्जाम्पल जैसे आयतन, आयतन के बाद मैंने दे दिया क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने आपके लिए क्या बताया अभी, व्युत्पन्न मात्रक, अर्थात ऐसे मात्रक जो कहां से प्राप्त किए जाते हैं, मूल राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आयतन, क्षेत्रफल और हमारा यहां पे क्या दिया है वेग, और भी हो सकते हैं, बस मैंने अभी इनको एग्जाम्पल के रूप में लेने की कोशिश की है। ध्यान से समझने की कोशिश कर इनके लिए आखिर किस तरीके से व्युत्पन्न मात्रक की कैटेगरी में रखा जाता है इनके लिए, ध्यान से समझ। देखो जैसे मैंने यहां पे आयतन लिया, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया आपके लिए आयतन, आयतन को व्युत्पन्न मात्रक क्यों कह रहे हैं, आयतन के लिए व्युत्पन्न मात्रक क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान से समझना, आयतन का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अब इस मात्रक को यदि देखने से आपको पता चल रहा है कि जो मीटर राशि यूज हुई है ये कौन सी राशि है, मूल राशि। कैसी है, मूल राशि है। इसकी और डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली में जो आयतन है, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब जो लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई दी है ये आपके लिए तीनों की तीनों लंबाई अर्थात दूरी का फॉर्म है। इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर, तीनों मल्टीप्लाइड में है तो m का 3, m को तीन बार मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। अर्थात आयतन का जो मात्रक है वो क्या है आपका, मीटर क्यूब। जो मीटर है पर्टिकुलर वह मात्रक किसका है, मूल राशि का मात्रक। अर्थात जिस कारण से जो आयतन है एक ऐसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये किससे प्राप्त की जा रही है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा रही है। इसके बाद यदि मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूं, दूसरा अपन ने एग्जाम्पल लिया है जैसे क्षेत्रफल, दूसरा एग्जाम्पल अपन ने लेने की कोशिश किया कि है क्षेत्रफल।
तो दोस्तों जो क्षेत्रफल का यदि हम सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, चौड़ाई भी किसका फॉर्म है लंबाई अर्थात दूरी का फॉर्म है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा मीटर, और मीटर का मीटर में गुणा करोगे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब आप बताएंगे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो मात्रक आया है मीटर, इसमें जो मीटर वर्ड पर्टिकुलर यूज हुआ है ये मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि, मूल राशि है। इस तरीके से हम कह सकते हैं आयतन, क्षेत्रफल, वेग आदि कैसी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो रहेगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र दोस्तों व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों का दोनों का फॉर्मूला होता है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, कहां से आता है, बहुत बड़ा सिरदर्द रहता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए विमीय सूत्र बनाना सिखाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।